हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्विटी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1 मई 2005 में बिहार अमीन भर्ती परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी। तो जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। वो लिच्छवी गणराज्य के थे, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आम्रपाली जो है वो बौद्ध काल के, बौद्ध काल में बज्जी संघ का नृत्यांगना। दूसरा सवाल है कि आर्य समाधि निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे। ए में भूमिहीन श्रमिक, बी में हरिजन, सी में नौकरशाही और डी में व्यापारी समुदाय। तो देखिए, इसका आंसर है हो जाएगा बी, हरिजन। देखिए, आर्य समाजी जो है ये इनका पहुंच तक बनाना चाहते थे। तो देखिए, आर्य समाजी का उस शब्द आया है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना किया था 1975 में दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और इस ये जो आर्य समाज का इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। तब देखिए, ये लोग जो है आर्य समाज के लोग वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे तथा मूर्ति पूजा अवतारवाद या बलि प्रथा ये सब पे विश्वास नहीं रखता था, ठीक है। अब देखिए, एक समाज यहाँ पर है दयानंद सरस्वती कौन थे। तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे और दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, जो आर्य समाज के लोगों का प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि ब्राह्मणों के अधिपति के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए क्या गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो देखिए, ये चारों आंदोलन निम्न जाति के हित के लिए ही किया गया था, लेकिन सवाल कह रहा है कि इसमें सबसे पहले कौन हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं नैयर सर्विस समाज क्या है। तो नैयर सर्विस समाज जो है इसका स्थापना 1914 में हुआ था और इसका स्थापना था मनयू पद्धाभी पिल्लवई, यानी पिल्लवई साहब इसके संस्थापक थे, ठीक है। और ये जो है नैयर सर्विस समाज, ये केरल राज्य से संबंधित है, इसका स्थापना केरल में हुआ। फिर देखते हैं दूसरा सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो 1873 में हुआ था और इसका ज्योतिराव फुले साहब ने किया था, ठीक है। ज्योतिराव फुले का एक प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी और ये महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और सी में दिया है महाजन संगम, तो 1910 में इसका स्थापना हुआ था महाजन संगम का और इसका प्रमुख उद्देश्य था अछूतों के लिए अधिकार दिलाने का। और ये जो है ये तमिलनाडु में इसका स्थापना हुआ था। तो डी में जो है बोकालिका संघ, तो ये 5 से 6 के दौरान में ये बोलिका समुदाय के द्वारा बोलिका संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका स्थापना क्या हुआ था, तो कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। तो ये क्या रहा है कि सबसे पहले देखिए इसमें 1877 है, तो सत्यशोधक समाज, इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ है। तो देखिए, इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ पढ़ना है। तो मगध विश्वविद्यालय जो है वो बोधगया में स्थित है, ठीक है। इसका स्थापना जो है, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह ने किया था, ठीक है। अभी देखिए, अब जो मगध विश्वविद्यालय है इसके अंतर्गत तकरीबन 250 से ज्यादा कॉलेज है, यानी महाविद्यालय, ठीक है। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है ये पटना और गया जिला, इन दोनों के बीच में लगभग 250 से ज्यादा महाविद्यालय इसके बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थ करते हैं। तो देखिये, हम लोग जानते हैं कि जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, 24वां तीर्थकर स्वामी महावीर थे, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या एक पूर्व, तो 23वां पूछ रहा है, इस पर हम लोग ध्यान देना है। तो 23वां तीर्थकर कौन है, तो 23वां तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, ठीक है। और बी में दिया है महावीर, तो महावीर जो है अभी बताया कि ये 24वां और अंतिम तीर्थकर थे और इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था, ठीक है। तो जैन परंपरा के पहला तीर्थकर हुए थे ऋषभदेव, ये पहला तीर्थकर था, ठीक है। और इसको ही संस्थापक माना जाता है जैन परंपरा का और इसका प्रतीक चिन्ह जो है बैल था, ठीक है। और भद्र बाबू जो है ये
तीर्थकर नहीं थे, ये एक प्रचारक थे, इनका इन्होंने ही दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए भगवान महावीर जो है इसमें सभी तीर्थकर में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर, इसके ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा, तो देखिए दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार ये भद्रबाहू के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म के विषय में हम लोग थोड़ा पहले क्वेश्चन में बता दिए थे और इसमें भी थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि जैन धर्म जो है 24वां तीर्थकर स्वामी महावीर हुए थे, तो उसकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में अकाल पड़ा था, ठीक है। तो इसमें से कई जैन भद्रबाहू के नेतृत्व में दक्षिण चले गए और स्थल बाहू के नेतृत्व में जो रहे थे कई जैन वो मगध में ही रहे, ठीक है। तो ये जो भद्रबाहू के साथ जो जैन धर्म गए थे दक्षिण गए थे, उन्होंने ही दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद जो है जब वो लौटे ये दोनों, तो इन दोनों में यानी भद्रबाहू के समुदाय और ग्रुप में और इनके भद्रबाहू के ग्रुप और स्थल बाहू के ग्रुप में इन दोनों में मतभेद हो गया, जिसके वजह से दो भाग में पट गए जैन विभाग। तो इस तरह से जैन विभाग दक्षिण में जो थे चले गए थे उसको कहा गया दिगंबर, और स्थल बाहू के साथ जो मगध में ही रह गया उसे कहा गया था श्वेतांबर, ठीक है। यदि अगर ये सवाल पूछे जाए कि श्वेतांबर किसको कहा गया और दिगंबर किसको कहा गया, तो आप इस यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। जो दक्षिण चले गए थे भद्रबाहू के नेतृत्व में वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थल बाहू के साथ मगध में ही रह गए वह श्वेतांबर कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, ठीक है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि गुप्त काल में ये राजतंत्र था और राजा ही इसका सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, गुप्त काल में राजा ही सर्वोत्तम न्यायाधीश होता था। और अब देखिए तो इसके विषय में थोड़ा हम लोग जान लेंगे, तो गुप्त काल में जो है न्यायिक व्यवस्था के विषय में हम लोग को पता चलता है नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति से, ठीक है। इसमें हम लोग इसके विषय में हमको पता चलता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग पता चलता है कि गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी के लिए अलग अलग व्यवस्था बना गया था, ठीक है। और ये सबसे पहली बार गुप्त काल में ही हुआ था, ठीक है। अब इससे ये संबंधित एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में। तो फाहियान के विवरण से पता चलता था कि उन्होंने अपने विवरण में बताया कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था ज्यादा कठोर नहीं था, वो लगभग लचीला था, ठीक है। इस वक्त गुप्त काल में मृत्यु दंड ना के बराबर दिया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ का निवासी था, तो जो लेप्चा एक जनजाति है जो भारत में ही है, भारत में निवासी है करते हैं, तो लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाए जाते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मेघालय में देखें, मेघालय के विषय में जान लेंगे। मेघालय का प्रमुख जनजाति गारो खासी एंड जयंती है, ठीक है। मिजोरम में जो है मिजोरम का प्रमुख जनजाति जो पूछा है, मिजोरम लाखर और मिजो, ये दोनों महत्वपूर्ण जनजाति है, प्रमुख जनजाति है मिजोरम की। और सी डी में दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति है मिसमी डपला आपातानी आदि, सब ये सब महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पूछ रहा है कि लेप्चा कहाँ का है, तो लेप्चा सिक्किम के जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार के राजगीर के समीप में है, ठीक है। यहाँ राजगीर नहीं मारना है, राजगीर के समीप में पावापुरी, तो पावापुरी होगा, ठीक है। अब देखिए महावीर के विषय में दिया हुआ है, महावीर के विषय में थोड़ा जान लेंगे। महावीर स्वामी महावीर का जन्म जो है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो वैशाली में, वैशाली में जन्म हुआ था और पावापुरी में उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता त्रिशला, ठीक है। महावीर स्वामी जो है वो ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे, तो उसका आंसर हो जाएगा ज्ञात्रिक। सिद्धार्थ जो थे इसके जो महावीर के पिताजी वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है।
देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, और मृत्यु जो है वो 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है, ईस्वी पूर्व में। उस वक्त महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष का था। कुशीनारायण में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, ठीक है, तो देखिए बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। शेखपुरा इस तरह से इसका बी आंसर हो जाएगा। शेखपुरा का कुल क्षेत्रफल जो है 689 वर्ग किलोमीटर है, जबकि गया का क्षेत्रफल 4976 की वर्ग किलोमीटर है। बक्सर का जो है क्षेत्रफल 1703 वर्ग किलोमीटर है, और सारण का क्षेत्रफल जो है 2641 किलो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सारण का दूसरा नाम छपरा भी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व, तो देखिए गया का जो है जनसंख्या घनत्व वो 880 है, 880 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, और इसी तरह और शेखपुरा का 922 है, ठीक है। बक्सर का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1003 है, और सारण का 1493, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा गया था न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला शिवहर है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि पूछ रहा है कि निम्न में से, तो इसमें से ही पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे छोटा जिला कौन है, तो इसमें सबसे छोटा जिला शेखपुरा होगा। अगर यदि सवाल इस तरह पूछे कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, और उसमें अगर शिवहर आंसर में रहे तो वो आंसर शिवहर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, ठीक है, तो संशोधन का प्रावधान किस में आया था, अनुच्छेद 368 में संशोधन का प्रावधान है, ठीक है। और अगर यदि ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान भाग कितना है, तो भाग 20 में, भाग 20 के अनुच्छेद 68 में, और ये शक्ति किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, ठीक है, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया, संसद को, ठीक है। अब देखिए एक में दिया हुआ है कि 358, अनुच्छेद 358, तो 358 के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो अनुच्छेद 358 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 320 जो है वो लोक सेवा आयोग के कर्तव्य को वर्णित करता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य को वर्णित करता है, ठीक है, इसमें वर्णित क्या है। तब यदि इसमें जो दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में देख समझ लेंगे थोड़ा। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसमें जो है अनुच्छेद 19 जो है हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय में अगर ये पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है, तो 20 और 21 ये दोनों निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। इसका कार्यकाल जो है 1947 से जून 1948 तक था, 48 तक रहा था, ठीक है। अब देखिए ए में दिया है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल जो है वो 1813 से लेकर के 1823 तक रहा था, और इसके समय में सबसे प्रमुख घटना जो है वो पिंडारियों का दमन इन्होंने किया था, पिंडारियों का दमन किया था, ठीक है। और इन्होंने ही लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा को अंतिम रूप से शांत इन्होंने ही किया, अंतिम रूप से शांत करने का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है, ठीक है। बी में दिया हुआ लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही 1822 में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही 1822 में टेनेंसी एक्ट पास हुआ था, ठीक है, जिसको काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग का जो है कार्यकाल दिया हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 तक दिया हुआ है, ठीक है। इसके समय में लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था जो 1845 से 46 तक चला। लॉर्ड हार्डिंग नरबलि प्रथा को बैन करने, नरबलि प्रथा को प्रतिबंध लगाने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है,
ए में लोकसभा, बी में राष्ट्रपति, सी में मुख्य न्यायाधीश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा ऊपरी सदन होता है और ये भंग नहीं होता है, तो इस तरह से इसका कोई आंसर नहीं, इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए राज्यसभा को दिया गया है तो राज्यसभा के विषय में थोड़ा हम लोग जान लेंगे। राज्यसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। और ये अनुच्छेद 80 के एक में, 80 के एक में बताया गया है कि अधिक से अधिक 250 तक सदस्य हो सकता है। ठीक है, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 12 जो है राष्ट्रपति चुनते हैं। और राज्यसभा के सीटों की आवंटन के विषय में संविधान के अनुसूची 4 में दिया गया है, अनुसूची 4 में वर्णित है। ठीक है, बिहार के जो जहां तक बात है, बिहार का लोक राज्यसभा की सीट है 16। ठीक है, अब देखिए इससे एक सवाल और पूछा जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 83 के एक, अनुच्छेद 83 के एक के तहत इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगर ये पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, तो अनुच्छेद 83 के एक में। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से इसमें राज्यसभा के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति? तो राज्य के राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो राज्यपाल के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। संविधान के भाग 6 में, भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो वो अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, लेकिन 7वें संशोधन, संविधान 7वें संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसके नियम अनुसार से कि एक व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अनुच्छेद 53 में, 153 में कहा गया है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संशोधन जो है 1956 में जब हुआ था, तो उसमें ये प्रावधान जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति 1 या 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, 7वें संशोधन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। और जहां 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये संविधान के अनुच्छेद 155 में वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए, आप कई बार ये पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होता है, तो वहां मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, कितना से? तो एक में दिया है 21 वर्ष से या 25 वर्ष से या फिर 30 वर्ष से या 35 वर्ष से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए लोकसभा के विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। लोकसभा का वर्णन जो है संविधान का, संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, 81 में लोकसभा के गठन के बारे में कहा गया है। इसको मूल संविधान में इसकी अधिकतम संख्या 500 थी निर्धारित की गई। अगर इस तरह से पूछा जाए कि मूल संविधान में अधिकतम संख्या लोकसभा सदस्यों की कितना था, तो उसमें 500 था उस वक्त, लेकिन वर्तमान में 545 है, 545 है। ठीक है, और लेकिन यदि इस तरह से पूछा जाए कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552 तक। ठीक है, जिसमें से 530 राज्य चुनते हैं और 13 संघ राज्य। ठीक है, संघ राज्य और 2 जो है वो राष्ट्रपति आंगल भारतीय के, राष्ट्रपति आंगल भारतीय के रूप में मनोनीत करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें लोकसभा से संबंधित एक सवाल और आता है कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 330 के तहत, 330 के तहत लोकसभा सीट में SC and ST का, SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है,
वर्तमान में यदि ये पूछा जाए कि वर्तमान में एससी के सीट की संख्या कितना है या एसटी का है, तो वर्तमान में जो है लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट दिया हुआ है और एसटी के लिए 47 सीट दिया हुआ है। ठीक है, इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 130 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हम मिलेंगे।